हेलो भाई, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। भाई बहुत दिनों बाद आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। भाई आपके साथ कई बार होता होगा, जब बाइक स्कूटी आप जा रहे होते हो तो भाई आपको ना ऐसा लगता होगा आपका पिछला टायर ऐसे ऐसे हिल रहा है, लाइक बबलिंग कर रहा है या आपको अलाइनमेंट सी कर रहा है। लाइक जैसे कट पे ना, मेरे को भाई 2-3 दिन से हो रहा है, कट पे ऐसे मोड़ रहा हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी स्कूटी ऐसे डिसबैलेंस ही हो रही है, मतलब पिछला टायर कुछ हिल रहा है। लेकिन भाई जब मैं इसको ऐसे हिला के देख रहा हूँ ना, तो भाई बिल्कुल फिट है। तो भाई आज मैं इसको अभी मैकेनिक के पास लेके जा रहा हूँ। भाई मेरे को लग रहा है, क्योंकि भाई डाउट होता है एक दिन के लिए, भाई 3-4 दिन हो रहा है मेरे साथ, तो मैं एक बार दिखा लेता हूँ भाई, क्या पता कुछ गरारी वरारी कट रही है, मेरे को किसी ने बताया है, तो अभी देख चेक कर लेता भाई गरारी वरारी कैसे कटती है। बाकी भाई देख लो, भाई अभी कल विश्वकर्मा पूजा थी तो मैंने थोड़ा बहुत साफ़ कर दी थी ऐसी, तो इसलिए साफ़ लग रही है, वैसे इतनी साफ़ नहीं रहती है। तो भाई मिलते हैं मैकेनिक पे। जैसे आपने अभी देखा, मैं बता रहा था ना भाई टायर में बबलिंग होती है, तो मैं भाई ये अब अगला दिन है भाई, मैं गया हुआ था अभी भाई अपने यही ठीक कराने जा रहा था भाई रास्ते में अपने घर से 6-7 किलोमीटर दूर, लेकिन भाई ये टायर मेरा फट चुका है। इसमें भाई दिक्कत क्या आई थी, ये जो टायर है ना यहाँ से ये देखो बिल्कुल बीच में फट गया। और भाई ये टायर, मैंने बताता हूँ आपको क्या हुआ था, इस टायर का भाई बहुत बड़ा इंसिडेंट है। ये टायर मैंने भाई लिया था 700 रुपये का किसी मैकेनिक से, लोकल मैकेनिक से कैसे लिया था, क्यों भाई मैं गया था, मेरी टायर पंचर हो गया था, जो इससे पुराने वाला टायर था वो पंचर हो गया था, तो भाई उसमें टायर वायर फट गया था, यहाँ से क्रैक हो गया था, वो मैंने बेच पास दिया, तो भाई अभी है नहीं मेरे पास सैंपल के लिए। वो टायर वहाँ से क्रैक हो गया था, तो मैंने वो बोला भाई टायर लगेगा, मतलब लाइक बेसिकली उसके आसपास कोई दुकान नहीं थी, बस एक ही दुकान थी, तो उसने मेरे को लूट ही लिया कह सकते हैं। तो उसने को ये बोला ये सेकेंड हैंड टायर है, ट्यूबलेस टायर है, ये लग जाएगा और बिल्कुल बढ़िया चलेगा, नया टायर है। देखो भाई इसमें थ्रेड व्रेड पूरे थे, देखो अभी आपको दिख रहे होंगे पूरे थ्रेड है भाई, यहाँ पर मिट्टी लग रही है इसलिए आपको दिख नहीं रहा, पर पूरे थ्रेड है इसमें, ठीक है। तो मैंने भी ले लिया भाई, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई 15-16 दिन बाद राह चलते रास्ते में जो बबलिंग आ रही थी ना, मैं उसको ही ठीक करना चाहता, लेकिन भाई ये यहाँ से फट गया, देख रहे हो। और भाई आप बोलोगे भाई अंदर से आपने चेक नहीं करा होगा ये वो, भाई देखो अंदर से अभी भी नहीं फटा हुआ, ये आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ से है, देखो यहाँ पे है वो निशान, यहाँ पे ऐसे अंदर से नहीं फटा हुआ ना। तो भाई यही मेरे साथ मिस्टेक हुई आफ्टर मार्केट टायर लेने में। तो भाई रास्ते मैंने फिर अब ये नया टायर लगवाया है 1300 रुपये का अपोलो का, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, ये देखो भाई ये नया टायर लगा हुआ है अपोलो का, और ये लगा है भाई मेरा 1350 रुपये का। तो भाई मैं आपको यही बताना चाहता भाई, सस्ता लो बार बार, महंगा लो एक बार, भाई ये कहानी मेरे दोस्त ने बताई थी और ये भाई सही हो गई है बिल्कुल। और भाई इसने मेरे को बहुत सारे ताने में, अब भाई मैं इसको वापस कराने जाऊंगा, देखते हैं भाई करेगा क्यों नहीं, वैसे कर तो ले गई, नहीं तो फिर इसको बाकी हिसाब तो दूसरा बांध देगा उसका। तो भाई यही थी भाई वीडियो कि भाई आफ्टर मार्केट आपको सेकेंड हैंड टायर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए स्कूटी के लिए। भाई ये मैंने देखो बिल्कुल ठगा गया, मतलब एक ठगी हो गई मेरे साथ, ये टायर बिल्कुल नया था, मैंने भाई 700 रुपये का ले लिया यार, चलो कोई नहीं उससे पैसे तो ले आएंगे। बाकी हमें ये नया टायर लग गया है 1350 रुपये का अपोलो कंपनी से लगा ये, तो इसका मेरे पास वारंटी 3 साल की वारंटी है अपोलो के टायर की। और भाई थ्रेड भी, मतलब देखो ये ना इसके डिज़ाइन तो ज़्यादा स्पोर्टी लुक नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल वाले टायर है, और जब मेरे पास पहले टायर था वो स्पोर्टी लुक का था, तो उसमें पंचर ज़्यादा होता है, इसमें पंचर कम होगी क्योंकि इसके जो गैप है ना ग्रिप का वो कम है। तो भाई वीडियो तो आपके लिए आज के लिए यही थी, बाकी आपको नई वीडियो आती रहेगी। अब भाई बहुत दिनों बाद एक्टिव हुआ हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था काम वाम में, तो आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। और भाई नीचे भाई सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, लाइक बटन आ रहा होगा, उसे प्लीज़ दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।